I'm going to tell you what are the NLP techniques and the benefits of NLP जो आपके ही नहीं ये सबके लाइफ में चेंज कर सकता है। एक लड़की आई थी मेरे पास क्योंकि मैं लाइफ कोचिंग सेशंस लेता हूँ। She was telling that sir, I was doing job in one company। हमेशा मेरे बॉस डिमोटिवेट करते रहते थे, मेरे सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ाते थे। आजकल सपने में भी मेरे को ना वो दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। मैं सर बहुत डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू रिवाइव, मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है। और उसके बाद आई स्पेंड जस्ट 5 to 10 minutes विद दैट गर्ल। वो लड़की जब वहां से निकली, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज हैप्पी कि सर आपने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस NLP की मैजिक उसे दिखा दिया और उसकी ये जो प्रॉब्लम थी ना दिमाग वाली, ये प्रॉब्लम झट से चले गए। जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो सब कुछ कहाँ जाता है? आपके दिमाग में जाता है, आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग होता है। सपोज वी आर सिटिंग, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दूर कहीं पे एक लड़की डांस कर रही है। नाउ आप बोलोगे वाओ दैट गर्ल इज डांसिंग टू गुड। मैं बोलूंगा व्हाई दैट गर्ल इज डांसिंग, शी इज सो मच यंग, इज इट द एज ऑफ डांसिंग? आपने देखा एक ही चीज हो रही है, आप अलग सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे बट द एक्टिविटी इज वन, but we are thinking in a different way and that's called programming. How do we program our mind? आज मैं आपको NLP के दो टेक्निक सिखा रहा हूँ। One is modalities and other is sub modalities. NLP के तीन modalities होते हैं, visual, auditory and kinesthetic. Visuals, people they see. Auditory, लोग सुनते हैं. Kinesthetic means हम feel करते हैं. And we feel through skin, टंग, नोज। और यही मीडियम है जहां से हम बाहर के हर चीज को अंदर लेते हैं और दिमाग में प्रोग्रामिंग करते हैं। सो अभी हम बात करेंगे विजुअल सब मोडालिटीज, मतलब जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे कलर, क्योंकि कलर को भी हम देखते हैं। डिस्टेंस, शेप, गोल है, चौकोर है, स्टार है, किसी चीज के साथ में एसोसिएट हूं, डिसोसिएटेड हूं, अलग हूं, ये सारी चीजें विजुअल सब मोडालिटीज होती है। अब हम बात करेंगे ऑडिटरी सब मोडालिटीज। वॉल्यूम सुनने से रिलेटेड है, वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम घटाना, किसी चीज की फ्रिक्वेंसी, पिच हाई है, कभी पिच हल्का है, स्पीड, किस स्पीड में कोई इंसान बोल रहा है, किसी चीज की रिदम भी ऑडिटरी में आएगा। सो दीज आर दी सब मोडालिटीज ऑफ ऑडिटरी। काइनेस्थेटिक, फील में क्या क्या आएगी? जब हम ब्रीदिंग फील करते हैं, हम अपने पल्स को फील कर सकते हैं, प्रेशर को फील कर सकते हैं, अपने वेट को फील कर सकते हैं, कोई चीज मूवमेंट में है या स्टैटिक है, तो ये सारे हैं काइनेस्थेटिक सब मोडालिटीज। हमारी बहुत सारे महीनों में किए गए रिसर्च और बहुत सारे मेहनत का एक वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो क्या आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर सकते? अभी भी मुझे पता है कि 70% लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। क्या मैं आपको विजुअली, ऑडिटरीली, काइनेस्थेटिकली, क्या मेरी बात सुन के आपको फील नहीं होती कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ जब वो अपने बॉस के साथ बात करती होगी। समवन इज डिमीनिंग यू, यहाँ पे एक व्हाइट शर्ट में जो बंदा है उसे इंसल्ट किया जा रहा है। अब वो व्हाइट शर्ट वाला इंसान उस इंफॉर्मेशन को विजुअली, काइनेस्थेटिकली और ऑडिटरीली वो कैसे अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग कर रहा है, ये चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। और शायद यही चीज उस लड़की के साथ भी हुआ होगा। जब वो बॉस उस इंसान को बोल रहा था तो विजुअली शायद उसे लग रहा था कि द फेस इज वेरी एंग्री, द आईज आर सो बिग, ओ माय गॉड, इंसल्टिंग जेस्चर्स, अदर पीपल आर सीइंग मी, लोग दूसरे मुझे सुन रहे हैं। ऑडिटरी में उनकी सब मोडालिटी कैसी होगी? ओ माय गॉड, ये साउंड मुझे हर्ट कर रहा है, वो कितना रूड है, कितना डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड वो यूज कर रहा है, इतना साइलेंस है हर जगह, लोग सुन रहे हैं, वो मेरे बारे में गलत बोल रहा है ये इंसान, ओ माय गॉड, मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, मैं काफी वीक फील कर रही हूँ अपने आप को, काफी हैवी फील कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे जो लेग्स है वो शिवर कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, मेरी बॉडी स्लाउ
क्राउच कर रही है, मैं झुक जा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मेरे आईज वेट हो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। और यही सब मोडालिटीज वो लड़की सोच रही होगी उस समय, और शायद हम भी सोचते हैं जब हमें इंसल्टेड फील होता है। तो आखिर में मैंने उस लड़की के दिमाग में जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग बनी हुई थी सब मोडालिटीज को, वो मैंने कैसे चेंज किया? अच्छा, डू यू सी कार्टून्स? कार्टून्स देखते हो आप? उसने बोला, हाँ सर, मैं कार्टून्स देखती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आपके कार्टून कैरेक्टर में फेवरेट कौन है? तो उसने अपना एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताया। जो भी उस कार्टून कैरेक्टर के बारे में बोल रही थी कि वो कैसे बात करता था, वो कैसे हंसता था, कैसे दौड़ता था, तो मुझे लगा कि इस लड़की को आज भी वो कार्टून कैरेक्टर याद है। जरूर नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सच में देखना चाहता हूँ आपको भी कौन कौन कार्टून कैरेक्टर अच्छे लगते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंसान चिल्ला रहा है इस इंसान के सामने। सबसे पहले मैंने उस लड़की को बोला, अच्छा बॉस को विजुअल करो, उस बॉस को देखो। और देखते ही देखते उस बॉस के फेस में अपने उस फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को डाल दो। और जैसे ही उसने उस कार्टून कैरेक्टर को विजुअलाइज किया अपने बॉस के फेस के ऊपर, उसके शक्ल में हंसी आ गई। दिस इज विजुअल। और दूसरा मैंने उसे बोला कि आपको जो हमेशा लगता है ना, आप अपने बॉस से कनेक्टेड हो, बॉस के सामने हो, तो सबसे पहले अपने बॉस से थोड़ा सा दूर जाओ। बॉस से आप एसोसिएटेड फील करते हो ना, तो आप जस्ट फील करो कि आप बॉस के सामने से हट चुके हो। मैंने उसे विजुअली ये बोला। डिस्टेंस, मैंने बोला था विजुअल सब मोडालिटीज। आप अभी इमेजिन करो, आप बॉस से अभी दूर में हो और उनकी आवाज आप तक आ नहीं रही है, और जो भी आवाज आ रही है उस कार्टून कैरेक्टर की आ रही है, उस बॉस की आवाज नहीं आ रही है। और काइनेस्थेटिक वाइज मैंने बोला कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको हंसी आ रही है, और उसे ये भी फील कराया कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हो। तो आज के वक्त वो विजुअल में क्या सोचती है? फनी फेस, लाइकेबल फेस, सीम्स आई एम विद अ कार्टून, कार्टून वॉज स्माइलिंग, कार्टून वॉज ऑन द टीवी, ये रियल नहीं है। ऑडिटरी, क्या फनी साउंड था मेरे बॉस का, वो कार्टून जैसा साउंड था, फनी वॉइस, इवन वॉइस तो क्लियर भी सुनाई नहीं दे रहा था, मैं तो बहुत दूर हो गया था ना, काफी रिदमिक आ रहा था, चाइल्डिश वाला साउंड आ रहा था। और पता है, काइनेस्थेटिक वाइज मुझे हंसी आ रही थी, मैं गिगल कर रहा था, मैं रिलैक्स फील कर रहा था, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई थी। बस इस मोडालिटीज और सब मोडालिटीज ने मेरी लाइफ को चेंज कर दी। डू यू वॉन्ट टू बी एन अमेजिंग कम्युनिकेटर? अगर बनना चाहते हो तो हमारे 5 डे वाले वर्कशॉप को ज्वाइन करो। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, जरूर जाइए और अभी जाके उस लिंक को क्लिक कीजिए और 5 डे वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग में। अगर आप सच में जानना चाहते हो ऐसे 7 ways जिससे एक लीडर कम्युनिकेट करता है, इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, बहुत ही मस्त वाली वीडियो है।